या हुजूर महबूबे इलाही आलम पनाही। आज 11 तारीख है, हुजूर गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर का दिन है, 11वीं शरीफ है आज। या हुजूर महबूबे इलाही, जो जो लोग आप अल्लाह के महबूब हैं, महबूबे इलाही हैं, आपके आस्थाने के जो जो लोग ज़ियारत कर रहे हैं, हुजूर लाइव ज़ियारत कर रहे हैं, सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा दिए, दुआएँ फरमा दिए अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की हुजूरी में दुआएँ फरमा दिए। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू हिफाजत फरमा दे। या हुजूर महबूब इलाही, नज़र करम नज़र इनायत अता फरमा दिए। हुजूर आप अल्लाह के महबूब हैं, महबूब इलाही हैं, और आज महबूब सुबहानी बड़े पीर दस्तगीर हज़रत मोहीउद्दीन अब्दुल खादर जीलानी की 11वीं शरीफ है। हुजूर अल्लाह से दुआ फरमा दी, अल्लाह ताला हुजूर गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर के सदक़े में अल्लाह सबकी परेशानी दूर कर दे, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे, सबकी जान हिफाजत फरमा दे। या महबूब इलाही, ये भी दुआएँ फरमा दी अल्लाह से कि पूरी दुनिया से कोरोना वायरस जैसी वबा ख़त्म हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में मोहब्बत से रहें। या हुजूर सरकार करम सरकार नजर करम नजर इनायत अता फरमा दी। या हुजूर रूबी आपके रोज़े की ज़ियारत कर रही हैं, रूबी की हाज़िरी को कबूल हो, अल्लाह इनको कामयाबियाँ तरक्कियाँ खुशहालियाँ अता फरमा दे। मोहम्मद सिद्दीक़ मोइनी को भी अल्लाह कामयाबियाँ तरक्कियाँ खुशहालियाँ अता फरमा दे। या महबूब इलाही, मलिक मलिक आसिफ मलिक भाई को भी अल्लाह कामयाबियाँ तरक्कियाँ खुशहालियाँ अता फरमा। मलिक वासिफ़ खोकर भाई को जो मुल्तान में रहते हैं, मलिक वासिफ़ खोकर भाई को अल्लाह कामयाबी तरक्कियाँ खुशहालियाँ अता फरमा दे, वो भी लाइव ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ फरमा दी, अल्लाह ताला इरफानुल्लाह भाई लंदन में रहते हैं, अल्लाह उनको भी कामयाबी तरक्कियाँ खुशहालियाँ अता फरमा दे। आसिफ अली खान संतू भाई को, उनकी बेगम बच्चों को भी कामयाबी तरक्कियाँ खुशहालियाँ मिल जाए। या हुजूर महबूब इलाही, अल्लाह से दुआ फरमा दी, अल्लाह ताला हमारे ज़िशान भाई, उनकी बेगम बच्चे रिहान भाई, उनकी बेगम बच्चे सबीन को, शुएब भाई को, उनकी वालदा को अल्लाह सबको सेहत की दौलत से नवाजे, सबकी परेशानी दूर कर दे। आज बुध का दिन है, हुजूर वेडनेसडे का दिन है, अल्लाह की बारगाह में और 11वीं शरीफ भी आज, अल्लाह से दुआ फरमा दी, अल्लाह सबके परेशानी दूर कर दे। अहमद अहमद को भी अल्लाह कामयाबी तरक्कियाँ खुशियाँ, अल्लाह इनका एडमिशन हो जाए हुजूर, एजाज़ एडमिशन हो जाए हुजूर, करम कर दिए, बड़ा पार कर दिए, सारे जहान की रोटी तुम्हारा माल कर दिए। या हुजूर महबूब इलाही, दस्तगिरी फरमा दिए। या हुजूर फरहीन निशा को भी अल्लाह कामयाबी तरक्कियाँ खुशियाँ हो, अल्लाह इनकी भी परेशानी दूर कर दे। या महबूब इलाही, तारिक हुसैन भाई को, उनकी बेगम फरहीन को, उनके बच्चों को, तीनों को अल्लाह गुड हेल्थ लॉन्ग लाइफ हो। अल्लाह ताला तारिक हुसैन भाई को, उनकी बेगम को, इनके तीनों बच्चों को अल्लाह शाद व आबाद सलामत रखे। या महबूब इलाही, नज़र करम नज़र इनायत अता फरमा दिए। हुजूर निगाह करम कर दिए, बेड़ा पार कर दिए हुजूर, इनकी झोली को खुशियों के दामन से भर दिए। तारिक भाई को अपने बच्चों की बागो बहारियाँ दिखाइए अपनी बेगम के साथ, अल्लाह इनके तीनों बच्चों को शाद व आबाद सलामत रखे। या महबूब इलाही, जो मास्क पहले लगा रखा है, ये भी तारिक भाई ने दिया है हुजूर, अल्लाह ताला तारिक भाई के कारोबार में बरकत दे, ज़िंदगी में खुशियाँ दे, जान माल इज़्ज़त आबरू के लिए हिफाजत और मदद। भरी निशा को भी कामयाबियाँ खुशियाँ मिल जाए हुजूर, सरकार इन सब पे निगाहें करम कर दिए हुजूर। या हुजूर महबूब इलाही, करम और इनायत फरमा दिए। चंदू मंसूरी को भी अल्लाह कामयाबियाँ तरक्कियाँ खुशहालियाँ मिल जाए हुजूर। महबूब इलाही, लॉकडाउन की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से पब्लिक का आना जाना नहीं है। आज 11वीं शरीफ भी हुजूर गौस पाक का दिन है हुजूर, मैं जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए लाइव ज़ियारत करा रहा हूँ मैं, उन सब लोगों ने लंदन से, अमेरिका से, कनाडा से मुझे फ़ोन कर करके लाइव होने के लिए कहा है, तो उन सब की वजह से मैं लाइव हो रहा हूँ। या हुजूर महबूब इलाही, उन सब की ज़ियारत को कबूल फरमा लिए, उनकी सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ दिए, सारे जहान की खुश होता अल्लाह उन सबको मालामाल कर दे। या हुजूर आयशा छोटी बहन लंदन में रहती है हुजूर, अल्लाह से दुआ फरमा दी, अल्लाह ताला आयशा की नेक शरीफ खानदान में शादी खाना आबादी हो, अल्लाह इस बच्ची का नसीबा बुलंद हो, इनकी अम्मी को अल्लाह से सलाम की उम्र दराजी अता फरमा दे। या हुजूर महबूब इलाही, इरफानुल्लाह भाई को, हफीज़ा बहन को भी शादाबाद सलामत रखे अल्लाह। या महबूब इलाही, हमारी क्या कैशा बहन जर्मनी में रहती है, उन्होंने भी दुआओं के लिए कहा, अल्लाह क्या कैशा बहन को, उनके बच्चों को अल्लाह शाद व आबाद सलामत रखे। आफ्ताब शाह भाई जर्मनी में रहते हैं, उन्होंने भी दुआओं के लिए कहा, अल्लाह उनको भी कामयाबियाँ तरक्कियाँ खुशहालियाँ मिल जाए। सरकार निगाह करम कर दिए, बेड़ा पार कर दिए, सबकी झोली को घर मखसूस से भर दिए, सबकी झोली को खुशियों के दामन से भर दिए। काफ़ी लोगों ने मुझे चादर पेश करने के लिए पैसे भेजे थे, जो नहीं आते। या महबूब इलाही काफ़ी लोगों ने मुझे चादर पेश करने के लिए पैसे भेजे थे, मैंने चादर भी पेश कर दी उन सबकी तरफ से। कुछ लोगों ने फूल पेश करने के लिए पैसे भेजे थे, मैंने फूल भी पेश कर दिए। या हुजूर महबूब इलाही, कुछ लोगों ने लंगर के पैसे भेजे थे, जो मैंने लंगर भी कर दिया मगरिब की नमाज के बाद। या हुजूर महबूब इलाही, सबके आँख में दुआएँ फरमा दी, जिन जिन लोगों ने मुझे पैसे भेजे,
अल्लाह उन सब के कारोबार में बरकत दे, उन सब की ज़िंदगी में खुशियाँ दे, अल्लाह उन सब को अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों की भी खुशियों से नवाजे, सरकार सब पे निगाह करम कर दिए। और जो जो लोग मेरे इस चैनल मेरी इस आईडी की मेरे फेसबुक के चैनल की जो जो लोग ज़्यारत कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो लोग इस मेरी आईडी को जो फेसबुक का लिंक है इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों की वजह से ज़्यादा लोग महबूब इलाही की आसानी से ज़्यारत कर सकें, क्योंकि पब्लिक आमद आमद नहीं है, पब्लिक का आना जाना बिल्कुल बंद है। दिन भर में 10-15 लोग आते हैं सिर्फ महबूब इलाही की ज़्यारत के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग की लॉकडाउन की वजह से सबका आना जाना बंद है। इंशाल्लाह 30 तारीख के बाद महबूब इलाही आसाना पब्लिक के लिए खुल जाएगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है तो। या हुज़ूर महबूब इलाही सब पर निगाह करम कर दिए, सब पर बिला पार कर दिए, सबकी